So hello guys and welcome back to another very important video session from your own channel Let's Crack NEET UG. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. In this particular video हम लोग बात करने वाले हैं about the lecture number 3 of Living World. हम लोग already दो lectures के बारे में पढ़ चुके हैं and उन्हें हम ठीक से revise भी कर चुके हैं. आज मैं आपको लेक्चर नंबर 2 एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूंगा एंड लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में बात करेंगे. टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं. हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट टॉपिक 1.1 ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज व्हाट इज लिविंग. एंड उसके बाद हम लोग बात कर चुके हैं व्हाट इज बायोडायवर्सिटी. आज हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में और सारी की सारी जो आपकी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं उनको हम लोग जानेंगे. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं गाइस. ज्योति हेलो, देन प्रजना हेलो, वंश हेलो, डॉक्टर पी किलर हेलो, ग्यारसी देवी हेलो, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, गुड्डू कुमार इंडिया ट्रांसपोर्ट जमीर, देव कुमार, डिम्पल, पंकिशा, निशांत, अथर, गुड मॉर्निंग यार एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस क्लास ऑन टाइम. स्वरूप हाय, राहत हेलो, रेणुका, निहारिका, देव कुमार हेलो, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो हम लोग पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन अप. आज हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को ठीक से कंप्लीट कर देंगे. आज हम टैक्सोन के बारे में अच्छे से जान लेंगे एंड उसके बाद हमारा फोर्थ लेक्चर आने वाला है कल और उसके बाद आपका ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा. यानी कि आपका 5-6 घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट डन हो जाएगा. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं. परसों हम एक टेस्ट लेंगे आपका, वो टेस्ट आप लोग दे दीजिएगा जिससे आपकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस हो पाए, राइट. एंड स्पेशल क्लासेस पर भी आपकी 5000 क्वेश्चन की सीरीज चलने वाली है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की. तो प्लीज मेक श्योर आप स्पेशल क्लासेस पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. लिंक आपको मेरी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहां पर फॉलो कर लीजिए मुझे. आपको फ्री में सारी के सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. और अगर आप मेरे बैच में आना चाहते हैं प्लस के बैच में तो आप विपिन नाम का कोड यूज कर सकते हैं. इस कोड को यूज करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. आप मेरे बैच में बाकी सारे बच्चों के साथ पढ़ भी पाएंगे एंड अल्टीमेटली आप अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे. मेरी जो डेडलाइन मैंने बच्चों को दी है वो है मार्च मंथ, और वो भी मार्च का इनिशियल टाइम. यानी पूरा का पूरा मार्च और पूरा का पूरा अप्रैल जो है वो आपको मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा रिवीजन के लिए. सो सबसे बेहतर बात होगी आप लोगों के लिए. तो आप मेरे बैच में फटाफट एनरोल कर लीजिए, विपिन कोड को लगा दीजिए सिर्फ, और कल से वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए. चलिए गाइस, सो दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन. आपको अगर मेरे बारे में कुछ जानना है तो आप यहां से मेरे अकेडमिक लाइफ के बारे में जान सकते हैं. देन आप हम लोगों से अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं. आपको सिर्फ इस ऐप को इंस्टॉल करना है और आपको जाना है नीट यूजी सेक्शन पे. नीट यूजी वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप नीट यूजी को सिलेक्ट करोगे एंड आप प्लस के ऑफर्स पर क्लिक करेंगे. इससे आपको मिलेगा क्या, इससे आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी. ओके, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की. काफी सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर लाइव पढ़ाएंगे. आपके टेस्ट होंगे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, अलग अलग लेंथ के. आप उन टेस्ट को दीजिए, अपनी रैंक को एनालाइज करिए. बल्कि स्पेशल क्लासेस में लाइव पोल का सिस्टम है. यानी आपको समझ लीजिए मेरी स्पेशल क्लास में 500 बच्चे आते हैं, तो आपको 500 बच्चों में से अपनी रैंक इंस्टेंटली पता लग जाएगी उसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर. तो लाइव क्लासेस के बाद लाइव रैंक सिस्टम भी आप लोगों के साथ है जिससे आप ये जान पाएंगे कि आप बाकी बच्चों से कितने आगे या कितने पीछे हैं. कोर्सेज एकदम स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सिलेबस एकदम टाइम पे कंप्लीट होता है, और मेरा बैच बहुत ही मक्खन चल रहा है दोस्त. इस महीने में 4 यूनिट कंप्लीट करा चुका होऊंगा आउट ऑफ 10. तो हमारे 2 महीने का टाइम और लगेगा हमें सिलेबस करने के लिए, मैक्सिमम 3 महीने का टाइम लगेगा. एंड आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा. जब तक आपका सब्सक्रिप्शन खत्म नहीं हो जाता तब तक आप हमारी वीडियोस को कितनी भी बार देख सकते हो, राइट. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट. तो आपको अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान है. उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनके पास कोई गाइड नहीं है, उनके पास कोई मोटिवेटर नहीं है, उनके पास कोई कोच नहीं है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक ऐसा प्लान है जो आपको एक पर्सनल कोच देता है. अगर आपके पास ये पर्सनल कोच आ जाए तो आपके टेस्ट एनालिसिस हो जाएंगे. पर्सनल कोच पर्सनली आपका एक एक टेस्ट, एक एक क्वेश्चन जो है एनालाइज करेगा और आपको बताएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो, आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा काम करने की जरूरत है. स्टडी प्लानर मतलब आपको टाइम टेबल मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, 12th क्लास के या ड्रॉपर हो. इसीलिए ये जो आइकॉनिक प्लान है ये सिर्फ बड़े सब्सक्रिप्शन पर ही अवेलेबल है, 6 महीने, 1 साल या 2 साल, और ये EMI पर भी अवेलेबल है. यानी अगर आपके पास अभी फिलहाल पैसा नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे अगर आ जाते हैं तो आप इसे EMI बेसिस पर भी ले सकते हैं, और वो भी नो कॉस्ट EMI, मतलब एक भी रुपया आपको ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, और सारे बेनिफिट आपको प्लस के तो मिल ही जाएंगे. ऑलराइट,
सो यहां पर क्या है, प्लस एक सिंपल अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए अच्छा मेजर है आप लोगों के लिए, एंड आइकॉनिक में आपको अपना सिलेबस पूरा करने के साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं जो स्टार मार्क चीजें हैं जो कि प्लस में नहीं है। तो अगर आप आइकॉनिक अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज गो फॉर आइकॉनिक। इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है लेकिन इस फीस को कम करने के लिए भी आपके पास एक जुगाड़ है, दैट इज अ मैजिकल कोड कॉल्ड विपिन। इस कोड को यूज करिए, कैपिटल VIPIN यानी मेरा नाम लिख दीजिए कैपिटल में, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मेरे बैच में इंस्टेंटली आ जाएंगे, मेरी मेंटोरशिप के अंडर आप आ जाएंगे और आपको मेरे सारे नोट्स भी मिल जाएंगे हैंड रिटन फॉर्मेट में। इससे ज्यादा बेस्ट क्या ही होगा दोस्त, मैं आपकी सारी बायोलॉजी कवर करा दूंगा। तो विपिन कोड का इस्तेमाल करो, फटाक फटाक से सब्सक्रिप्शन लो और अपनी फीस को भी आप कम कर लेंगे, पुरानी जो फीस थी उससे 10% आपको डिस्काउंट मिल चुका है यहाँ पर। सिमिलरली आपके जो दूसरे पैक है उन पर भी आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहां पर मंथली फीस देखो 7,000 रुपए पर मंथ है, लेकिन आप 2 साल का अगर पैक लेते हैं तो सिर्फ 2,300 रुपए पर मंथ है। तो क्या हुआ, 3 गुना कम हो गई आपकी कॉस्ट अगर आप एक बड़ा पैक लेते हैं। तो 1 और 2 साल का यार पैक उठाओ और विपिन कोड को अप्लाई करो जिससे आप मेरे बैच में आ सको। ऑलराइट, चलो यार स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और बहुत मजेदार चीजें आज होने वाली हैं। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस लेक्चर क्योंकि ये समझाने में बहुत मजेदार है और समझने में और भी ज्यादा मजेदार है। तो जस्ट लेट मी नो वेदर यू आर रेडी और नॉट, एक बार लिख दो कि यस सर वी आर रेडी, जिससे कि ये टॉपिक आपके टिप्स पे हो जाए और आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। अगर आप में से कुछ भी स्टूडेंट्स को पता है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में तो एक बार यस टाइप कर दीजिए, और अगर ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया है तो नो टाइप कर दीजिए, जिससे मुझे एक आइडिया मिल जाए कि कितने स्टूडेंट्स पहले से इस टॉपिक पर ग्रैस्प बना चुके हैं और कितने स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक एकदम नया है, मैं उसे बिल्कुल बेसिक से उठाकर एडवांस पे लेकर जाऊंगा। ओके, देव कुमार, मयंक, हिमांशी, डॉक्टर श्रेजल, वेरी गुड गाइज, रहमान, अंकित कुमार, धनमानती, इंडिया ट्रांसपोर्ट, विकांशु, माइकल, मयंक, मिस्टर नूज, पल्लवी, विकांशु, मयंक, पूजा, दैट्स ग्रेट, दैट्स टोटली ग्रेट। तो चलो यार बात करते हैं इन कैटेगरीज के बारे में बिल्कुल बेसिक तरीके से, जीरो से उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इन 7 कैटेगरीज को जो आप यहां पर नाम देख रहे हो उन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मेरे दोस्त ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ऑब्लिगेट क्या होता है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है मेरे दोस्त कंपल्सरी, यानी जिसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, इसे आप बोलते हैं कंपल्सरी। तो ये कंपल्सरी कैटेगरीज होती हैं जो कि आपके टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में प्रेजेंट होती हैं। तो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हायरार्की क्या होता है। ओके, सबसे पहले आपको ये जानना है कि हायरार्की क्या होता है, उसके बाद ही आप बढ़ पाएंगे आगे। तो हायरार्की का मतलब होता है अरेंजमेंट इन एन ऑर्डर, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में किसी चीज का अरेंजमेंट, इसे आप हायरार्की बोलते हो। अब ये सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये सीक्वेंस आपके छोटे से बड़े की तरफ भी जा सकता है यानी स्मॉल टू लार्ज, और ये जो सीक्वेंस है दोस्त ये आपका उल्टा भी आ सकता है यानी लार्ज टू स्मॉल। यानी समझ लो मुझे किसी ने बोला कि ए बी सी डी लिखो इन एन हायरार्कियल ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड। तो ए टू जेड अगर मैं लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एंड सो ऑन अप टू एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो गया, ये मेरा हायरार्कियल ऑर्डर हो गया फ्रॉम ए टू जेड। ये भी एक तरीके की हायरार्की है। लेकिन दूसरी बात देखो, दूसरा अगर मुझे कोई बोल दे कि आप जेड से ए तक लिखो ए बी सी डी, तो मैं क्या लिखूंगा, जेड वाई एक्स एंड देन इसी तरीके से चलते चलते डी सी बी ए। तो क्या ये एक हायरार्की है? यस गाइस, ये भी एक हायरार्की है, लेकिन ये जेड से ए तक की हायरार्की। सिमिलरली अगर मुझे कोई बोलता है कि आप 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग लिख दीजिए फटाफट, सो मैं 1, 2, 3 करके आपका क्या लिख दूंगा, 99, 100 तक पहुंच जाऊंगा। ये क्या है, 1 से लेकर 100 तक की हायरार्की है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं 100 है, 99 है, 98 है, एंड इस तरीके से मैं कम होते होते 3, 2, 1 पे पहुंचाऊं, तो क्या ये हायरार्की है? यस, ये भी हायरार्की है। तो दिस इज ऑल्सो एन हायरार्की, दिस इज ऑल्सो एन हायरार्की, दिस इज ऑल्सो एन हायरार्की, दिस इज ऑल्सो एन हायरार्की। आपको मेंशन क्या करना होता है दोस्त इसके अंदर, आपको मेंशन करनी होती है डायरेक्शन। तो हायरार्की में इंपॉर्टेंट क्या है, सीक्वेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहां पर लिख दूंगा कि दिस इज हायरार्की फ्रॉम ए टू जेड, तो ये बात अब कंप्लीट हो गई, आपको पता है ये एबीसीडी के सीक्वेंस में चल रहा है। सेकंड अगर मैं लिख दूंगा दिस इज ऑल्सो एन हायरार्की फ्रॉम जेड टू ए, तो आपको पता लग गया ये जेड वाई एक्स करते करते बी और ए तक आया है। ये भी आपकी हायरार्की है 1 to 100 तक, और ये भी आपकी हायरार्की है 100 to 1 तक। इसी प्रकार से टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का क्या मतलब रहता है, आपके
टेक्सोनॉमी में कुछ रैंक्स होती हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं। उन कैटेगरीज को जब आप अरेंज कर देते हो एक सीक्वेंस में, तो उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब वो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की भी जाहिर सी बात है दो तरीके की हो सकती है, पहली आपकी छोटी कैटेगरी से बड़ी कैटेगरी तक, दूसरा आपकी बड़ी कैटेगरी से छोटी कैटेगरी तक। तो आपकी कितनी इंपॉर्टेंट ओब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं, 7 ओब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं या 7 कंपलसरी कैटेगरीज होती हैं। इनको आप क्या बोलते हो, स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम एंड किंगडम। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है हमारे पास, इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है हमारे पास, कीप पोडियम क्लीन, या आपको याद भी होनी चाहिए, कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक। ओके, फैम या फैमिली गेट सिक। समझ लो एक फैम नाम का लड़का है जो कि लेक्चर देने गया है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में, तो जिस पोडियम के ऊपर आप खड़े होकर पढ़ाते हो ना, राइट, जिस लेक्चर स्टैंड पे आप हाथ रखते हो उसे पोडियम कहा जाता है इंग्लिश में, तो उस पोडियम को क्लीन रखो, अदरवाइज कंटेमिनेशन लग जाएगी फैम को, तो फैम जो है बीमार पड़ जाएगा। तो कीप द पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। ओके, कीप का मतलब क्या हुआ, के का मतलब हो गया यहां पर किंगडम, ओके, जो कि सबसे बड़ी यूनिट होती है, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट। ओके, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट। देन पोडियम, पोडियम में देखो आपका पी से क्या आया, फाइलम आया। अब मैंने यहां पर पोडियम क्या लिखा, मैं तो पॉट भी लिख सकता था, लेकिन यहां पर जो डीआई है इसका मतलब क्या होता है, डीआई का मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ सारे, डीआई का मतलब क्या होता है, तूफान विल बी कमिंग ऑन माय चैनल टुडे, सो डोंट वरी यार, उस पर भी काम चल रहा है, एंड आई हैव बॉट अ पैनल जो कि आज लग जाएगा, तो अब से हम थोड़ा बहुत पैनल पे भी पढ़ा करेंगे। सो तूफान मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, डिवीजन, मिस्टर नूज इज सेइंग डिवीजन, दैट्स ग्रेट, दैट्स करेक्ट, चलो बढ़िया, डिवीजन, हिमांशी सेइंग, आदर्श इज सेइंग डिवीजन, मानति पटेल इज सेइंग डीआई, दैट इज स्टैंडिंग फॉर डिवीजन, इंडिया ट्रांसपोर्ट डिवीजन, बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही। तो यहां पर फाइलम के साथ साथ आपका डिवीजन वर्ड भी यूज होता है, इसीलिए मैंने यहां पर पोडियम लिखा है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जानने वाली, कि जो फाइलम वर्ड है, दिस फाइलम वर्ड इज फॉर एनिमल्स एंड दिस डिवीजन वर्ड इज यूज्ड फॉर प्लांट्स। ओके, ये आपको याद रखना है कि जो डिवीजन वर्ड मैंने बोला है ये प्लांट के लिए है, और जो फाइलम हम वर्ड यूज करते हैं ये एनिमल के लिए है, राइट। देन क्लीन का मतलब क्या है, सीएल वर्ड यहां पर आ गया, तो ये हो गई आपकी क्लास। और का मतलब क्या है, और यहां पर आ गया, तो इसका मतलब हो गया ऑर्डर। फैम का मतलब क्या हो गया, फैमिली, नाम से ही साफ साफ पता लग रहा है, राइट। गेट का मतलब क्या हो गया, कल हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या पढ़ा था, गेट का मतलब जीनस होता है, एंड एंड में जो एस बचता है बाइनोमियल नेम में, दैट इज स्पीसीज। बाइनोमियल नाम के आपके दो कॉम्पोनेंट थे ना, पहला था आपका जेनेरिक नेम यानी जीनस, और दूसरा था आपका स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज। सो यहां पर क्या हुआ, गेट सिक का मतलब आपका नाम हो गया, ये आपका नाम है, जैसे कि होमो सेपियंस हो आप लोग, राइट, ह्यूमन बीइंग्स हो, तो उसमें जीनस क्या हुआ आपका, होमो हो गया, और स्पीसीज क्या हो गई आपकी, सेपियंस हो गई। ओके, बिल्कुल आपकी यही बात आपको याद करनी है। तो यहां पर आपके पास दो तरीके की अरेंजमेंट हो सकती है, पहला स्मॉलर टू लार्जर यानी स्पीसीज टू किंगडम। स्पीसीज आपकी स्मॉलेस्ट या फिर बेसिक यूनिट होती है, या आपकी स्मॉलेस्ट है या फिर ये आपकी क्या है, बेसिक है, राइट, ये आपकी बेसिक है। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, इसे स्पीसीज टू किंगडम लगा दिया, जैसे स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम, या फिर आप इसे डिवीजन बोल सकते हो, एंड किंगडम, ये क्या हो गया आपका, स्पीसीज टू किंगडम आपने लगा दिया, तो ये क्या हो गया, हायरार्की हो गया। सेकंड देखो यार, आपने क्या किया, किंगडम लगा दिया, देन आपने क्या लगा दिया, फाइलम लगा दिया, देन आपने क्लास लगा दिया, देन आपने ऑर्डर लगा दिया, देन आपने फैमिली लगा दी, देन आपने जीनस लगा दिया, देन आपने स्पीसीज लगा दिया। ये भी हायरार्की है, लेकिन आपके लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट तक, राइट, स्मॉलेस्ट यूनिट तक आपकी ये हायरार्की है। तो दोनों की दोनों आपकी हायरार्की है, यानी आपका पहले वाला भी हायरार्की है लेकिन आपका स्पीसीज टू जीनस की तरफ, और दूसरे वाला भी हायरार्की है लेकिन आपका किंगडम से स्पीसीज की तरफ, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, एक बार थम्स अप दे दो फटाफट, एक बार यस बोल दो,
ये बात कितने लोगों को समझ में आई जो अभी तक मैंने पढ़ा दिया है? इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की तरफ बढ़ेंगे। जस्ट लेट मी नो इफ यू आर क्लियर विद दिस थिंग। अगर इस चीज को लेकर के आप बिल्कुल क्लियर हो तो एक बार मुझे बता दो फटाफट। यस तनु माइकल हिमांशी स्ट्रेजल ग्रेट प्रमोद माइकल मिस्टर न्यूज सोनल बहुत बढ़िया। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी क्लासिफिकेशन की। तो यहां पे क्या है, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और रैंक। यानी कल हमने क्या देखा था कि आपको कोई नया इंडिविजुअल मिला, आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, आपने क्या किया उसके साथ चार चीजें की, आपने उसके साथ चार चीजें की। पहली चीज क्या है आपकी, पहली चीज है आपकी कैरेक्टराइजेशन, यानी आपने उसके कैरेक्टर्स नोट किए। अगर आपने उसके कैरेक्टर्स नोट कर लिए हैं तो अब आपको पता लग जाएगा कि वो किससे रिलेटेड है, यानी आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली। मैं पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात कर रहा हूं, तो आइडेंटिफिकेशन आपने उसकी कर ली। एक बार आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाए तो आप क्या करोगे आइडेंटिफिकेशन के बाद, आपका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आप इसे क्या करोगे, एक कैटेगरी में रखोगे, राइट, जो उसके लिए करेक्ट है। अगर वो एनिमल है तो आप उसे किंगडम एनिमेलिया में रख दोगे, फिर किंगडम एनिमेलिया के अंदर भी समझ लो वो इंसेक्ट है तो आप इसे फाइलम आर्थ्रोपोडा में रख दोगे, फिर सिंस वो इंसेक्ट है तो क्लास इंसेक्टा में रख दोगे, फिर उसके ऑर्डर में रख दोगे, फिर उसकी फैमिली में रख दोगे, एंड देन आप उसको नाम दे दोगे, यानी उसकी जीनस और स्पीसीज भी आप डिफाइन कर दोगे। तो आप क्या करोगे चौथा काम, उसको नॉमनक्लेट कर दोगे, उसका नॉमनक्लेचर कर दोगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई, फटाफट बताओ। ओके दैट्स ग्रेट। सो यहां पर क्या हुआ, आप चार चीजें करते हो। देर आर फोर मेजर टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। पहला कैरेक्टराइजेशन, आप किसी चीज के कैरेक्टर्स को देखते हो, फिर आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ ये आपके कॉकरोच से मिलता जुलता है तो मैं उसे कॉकरोच की कैटेगरी में रख दूंगा। तो आप उसे क्या करते हो, क्लासिफाई करने लग जाते हो, कॉकरोच की किंगडम में डाल दिया, कॉकरोच की फाइलम में डाल दिया, कॉकरोच की क्लास में डाल दिया। देन आप एंड में उसके स्पीसीज और जीनस डिफाइन कर देते हो, आप उसका नाम रख देते हो। स्पीसीज जीनस का मतलब क्या है, नाम ही तो है। तो क्या हुआ, इन सारी चीजों को आप क्या बोलते हो, इन सारी चीजों को आप क्या बोलते हो, या तो आप इन्हें बोलते हो रैंक, आप इन्हें रैंक बोल सकते हो, रैंक ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की ये सारी रैंक है। किंगडम भी एक रैंक है, फाइलम भी एक रैंक है, क्लास भी एक रैंक है, ऑर्डर भी एक रैंक है। तो आप इन्हें रैंक बोल सकते हो, या फिर आप इन्हें क्या बोल सकते हो, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आप इन्हें बोल सकते हो। तो आप इन्हें कैटेगरी भी बोल सकते हो, राइट, जैसे किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है, स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी है, तो आप इन्हें कैटेगरीज भी बोल सकते हो। प्लस आप इन्हें क्या बोल सकते हो, ग्रुप बोल सकते हो, कि आपका किंगडम भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, फाइलम भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, राइट, या फिर आप इन्हें क्या बोल सकते हो, टैक्सॉन बोल सकते हो, टैक्सॉन। टैक्सोनॉमी के अंदर जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर जो रैंक्स प्रेजेंट हैं, जो कैटेगरीज प्रेजेंट हैं, इनको टैक्सॉन बोला जा सकता है। टैक्सोनॉमी से ये वर्ड लिया गया है, ओके, ये वर्ड टैक्सोनॉमी से लिया गया है। तो देखो, ऑल कैटेगरीज कंस्टिट्यूट्स टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा सिक्वेंस है ये। तो इस सिक्वेंस में आपकी सारी की सारी यूनिट्स आ गई, ओके, आप इसे यूनिट भी बोल सकते हो, तो पांचों नाम एक ही चीज के हैं, तो आप इसे यूनिट भी बोल सकते हो, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो सिक्वेंस है, इसमें सारी कैटेगरीज आपकी अरेंज होंगी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, या फिर आपकी फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज। तो अल्टीमेटली क्या होता है दोस्त, यहां पर आपको एक बढ़िया अरेंजमेंट देखने को मिल जाती है पूरी की पूरी। तो इसे आप बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। हर कैटेगरी जो है यहां पर, चाहे वो स्पीसीज हो, जीनस हो, फैमिली हो, ऑर्डर हो, क्लास हो, डिवीजन हो, किंगडम हो, हर कैटेगरी यूनिट कहलाती है। हर कैटेगरी आपकी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हो तो आप उसे किसी ग्रुप में भी रखोगे, जैसे कि किंगडम, फिर आप उसकी फाइलम में भी रखोगे, उसके ऑर्डर में भी रखोगे, उसकी क्लास में भी रखोगे। तो हर स्टेप जो है यहां पर एक यूनिट कहलाती है क्लासिफिकेशन, ओके। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सॉन। जैसे कि मैमेलिया है, तो मैमेलिया क्या है, आपकी क्लास है, तो क्लास इसमें क्या हो गया, टैक्सॉन हो गया। तो ये आपका टैक्सॉन कहलाता है, यानी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की जो यूनिट्स हैं, इन्हें आप टैक्सॉन भी बुला सकते हो। तो यहां पर मैं हाइलाइटर ले लेता हूं, जैसे किंगडम है, ये भी आपका एक टैक्सॉन है, एक यूनिट है, एक कैटेगरी है, ओके। फाइलम है, एक टैक्सॉन है, एक यूनिट है, एक कैटेगरी है, एक रैंक है। सिमिलरली क्लास भी आपकी एक यूनिट है, कैटेगरी है, रैंक है, टैक्सॉन है, ऑर्डर भी, फैमिली भी, जीनस भी, स्पीसीज भी, इनका लेवल अलग अलग है बस,
जैसे किंगडम आपकी हाईएस्ट है, स्पीसीज आपकी लोएस्ट कैटेगरी है, तो जब आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ चलते जाएंगे तो आप बड़े से छोटे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो आप छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट? चलो यार बढ़िया, ऑल राइट। सो किसी का कोई क्वेश्चन है अगर यहां तक तो आप मुझे पूछ सकते हो, यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो। तो यहां पे आप देखो असेंडिंग ऑर्डर, मैंने आपको क्या बताया था, आप यहां पर असेंडिंग ऑर्डर ले लोगे। आप जब कभी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करते हो तो आपको मेंशन करना पड़ता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। सिंस हम यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, मतलब हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे, राइट? ओके, जैसे कि हम यहां पर देखते हैं, ओके असेंडिंग ऑर्डर है तो इसको हम डिसेंडिंग लिख लेते हैं, सिंस हम लोग उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं पहले से। लेकिन अगर आप एरोज देखोगे तो उल्टे बने हुए हैं। ओके, तो मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूं, पहले हम सारी चीजें एक बार ले आते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो हम यहां पर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं दोस्तों, मुझे फटाफट बता दो, हम इस पर्टिकुलर डायग्राम में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीसीज टू किंगडम या किंगडम टू स्पीसीज? मेरे को एक बार एरो देख के फटाफट बताओ, मेरे को एक बार एरो देख के फटाफट बताओ कि हम स्पीसीज टू किंगडम जा रहे हैं या किंगडम टू स्पीसीज। एरो की डायरेक्शन देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एरो की डायरेक्शन नोट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहां पर अगर एरो की डायरेक्शन देखोगे तो हम स्पीसीज से जीनस की तरफ जा रहे हैं, राइट? बिल्कुल सही मिस्टर नूस मानती, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यहां पर आप देखो एरो का डायरेक्शन ये है, तो हम स्पीसीज से जीनस की तरफ जा रहे हैं, देन फैमिली की तरफ, देन ऑर्डर की तरफ, देन क्लास की तरफ, देन डिवीजन की तरफ, देन किंगडम की तरफ। यानी हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि हम कहां पर कहां जा रहे हैं, हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम जा रहे होते किंगडम से स्पीसीज तो आप इसे क्या बोलते, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपने यहां पर लिखा है टैक्सॉन, इसे आप ग्रुप भी लिख सकते हैं, इसे आप कैटेगरी भी लिख सकते हैं, ओके इसे आप क्या लिख सकते हैं, रैंक भी लिख सकते हैं, सारी बातें एक ही होती है। आप इसे यूनिट भी लिख सकते हैं। ये पांचों की पांचों चीजों का मतलब टैक्सोनॉमी में एकदम सेम होता है, तो आप इसे कहीं पर नोट कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी में इनफैक्ट एक लाइन में दिया भी हुआ है। जैसे कि हम ह्यूमंस की अगर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखें तो हमारी किंगडम कौन सी है, ह्यूमन क्या होते हैं, मेल फीमेल हो चाहे कोई भी हो, ह्यूमन क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं? फटाफट बताओ यार, दो मिनट में, ह्यूमंस एनिमल होते हैं, इस बात में किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल सही बात है, राइट? एनिमल होते हैं। अब बताओ कि हमारी फाइलम क्या होती है, हमारी फाइलम क्या होती है, हमारे अंदर क्या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है? जस्ट लेट मी नो अबाउट दिस, क्या हमारे अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है या नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है? डिपेंडिंग अपॉन दैट हम चीजों को या तो नॉन कॉर्डेट्स बुलाते हैं या कॉर्डेटा बुलाते हैं। तो हमारी फाइलम क्या होगी, क्योंकि हम देखो प्लांट नहीं है तो ये डिवीजन वर्ड हमें यूज नहीं होगा, हमारे अंदर फाइलम वर्ड यूज होगा। हमारी फाइलम कौन सी होगी, हमारी फाइलम होगी कॉर्डेटा, बिकॉज हम लोग क्या है, कॉर्डेट्स हैं, हमारे अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो कॉर्डेटा हमें फाइलम के तौर पे प्रेजेंट रहेगी। अगर आप क्लास की बात करें तो बताइए आपके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, आपके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड आपको मैमल्स में रखा जाता है, यानी मैमलिया क्या हो गई, आपकी क्लास हो गई। सिमिलरली अगर आप ऑर्डर की बात करेंगे तो आप प्राइमेट्स हैं, आप प्राइमेट्स हैं, एग्जैक्टली सौंदर्य आपने बिल्कुल सही बोला। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, प्राइमेटा लिखेंगे, बिकॉज यू आर अ प्राइमेट। सिमिलरली आप आगे बढ़ेंगे फैमिली में तो आपकी फैमिली क्या होती है, होमो हमारा क्या है, जीनस है, उससे मिलती जुलती फैमिली होती है, होमिनिडी, होमिनिडी आपकी फैमिली का नाम है। तो होमो देखो स्टार्टिंग के चार अल्फाबेट आपके सेम है, होमिनिडी हमारी फैमिली है। और हमारा नाम क्या है, फटाफट बताओ हमारा नाम क्या है दोस्तों, हमारा साइंटिफिक नाम क्या है ह्यूमंस का, वही आपकी जीनस और स्पीसीज होंगी। हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ा था कि जो हमारा नाम होता है वही हमारी जीनस और स्पीसीज होती है। तो हमारा नाम क्या है, होमो सेपियंस होता है, राइट? हमारा नाम होमो सेपियन है, तो जीनस क्या हो जाएगा हमारा, होमो हो जाएगा, और स्पीसीज क्या हो जाएगी हमारी, सेपियंस हो जाएगी, राइट? ये हमारी क्या हो गई, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हो गई ह्यूमन बींग्स की। हम एनिमल है तो एनिमेलिया, हमारे अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेटा, हम मैमल्स हैं मैमेलिया हो गए, हम प्राइमेट्स हैं प्राइमेटा हो गया ऑर्डर हमारा, फैमिली हमारी हो गई होमिनिडी क्योंकि हम मिलती जुलती हमारे नाम होमो से, और होमो हमारा जीनस है
और स्पीसीज हमारी क्या है, सेपियंस। तो ये हमारी क्या हो गई, ह्यूमंस की पूरी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हो गई। किस ऑर्डर में देखो फटाफट, हम सेपियंस से स्टार्ट कर रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, एनिमेलिया की तरफ। यानी ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये आपका हो गया है स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने यहां पर लिखा है, ये बात आपकी सच हो गई, राइट ये आपकी बात सच हो गई। हम लोग कहां से कहां चल रहे हैं, हम लोग सेपियंस से एनिमेलिया की तरफ चले हैं, यानी हम लोग कहां जा रहे हैं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, डन। तो ये बात आपकी डन हो जानी चाहिए, दैट्स ग्रेट, चलो ऑल राइट। तो अभी देखो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, इनके बारे में बात करेंगे, स्पीसीज की डेफिनेशन जानेंगे, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे कि आखिर इनका मतलब क्या होता है और आखिर इनकी खास प्रॉपर्टीज क्या होती है, राइट। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्पीसीज की, बिकॉज हम लोग बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पीसीज से और बढ़ते 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 हम लोग कहां पहुंचेंगे, किंगडम की तरफ पहुंचेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात जो है समझा देना चाहता हूं, तो आप मेरा साथ दीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूं या फिर गलत। मैं आपको दो स्टेटमेंट देता हूं, आपको बताना है कि उनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है और गलत स्टेटमेंट कौन सी है। कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, या फिर कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। ये आपकी स्टेटमेंट वन है, ये आपकी स्टेटमेंट टू है। मुझे दोस्तों ये बता दो कि इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, फटाफट फटाफटाक से बताओ इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। ये जो दो चीजें हैं इनमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट गलत है। श्रीवास्तवा इज सेइंग सेकंड, अंकित इज सेइंग फर्स्ट, प्रमोद इज सेइंग सेकंड, शूटर गर्ल इज सेइंग सेकंड, देव इज सेइंग सेकंड, ओके, प्राजक्ता इज सेइंग सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, सौंदर्य इज सेइंग सेकंड स्टेटमेंट, देन श्रीवास्तवा, देव, मानती, ऑल आर सेइंग कि आपका सेकंड ठीक है, अंकित इज सेइंग फर्स्ट ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। टोटल किंगडम कितनी होती है मुझे कोई बताएगा, टोटल किंगडम कितनी होती है मुझे कोई बताएगा फटाफट, टोटल किंगडम कितनी होती है पूरी दुनिया में। अभी तक आर एच विटेकर साहब ने जो सिस्टम दिया था आपका, उस हिसाब से टोटल किंगडम इस पूरी दुनिया में कितनी है, ओके, पांच, दृष्टि सेइंग फाइव, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, शूटर गर्ल इज सेइंग फाइव, एब्सोल्यूटली करेक्ट, गणेश इज सेइंग फाइव। तो क्या हुआ, टोटल हमारे पास पांच किंगडम हो गई, कौन कौन सी, आपकी मोनेरा, आपकी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एंड एनिमेलिया। ये आपकी पांच किंगडम होती हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ ये पांच ही किंगडम है। और स्पीसीज कितनी डिफाइन कर ली आपने, फटाफट बता दो यार एक बार। कल मैंने आपको एक डेटा बताया था, एक नंबर बताया था कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आपने कितनी डिफाइन कर ली अभी तक, कितनी खोज ली है, मुझे फटाफट बता दो यार, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आपने कितनी खोज ली है अभी तक, ओके। देव इज सेइंग 1.7 मिलियन, एग्जैक्टली देव, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। मिस्टर नूज इज सेइंग 1.7 to 1.8 मिलियन, बिल्कुल प्रिसाइज है। पीयूष इज सेइंग 1.8 मिलियन, अंकित इज सेइंग 1.7 to 1.8, शूटर गर्ल, हिमांशी खान, श्रीवास्तव, यश, श्रेजल, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, प्रमोद, पूजा, सचिन, सब लोग ठीक हो यहां पर। आपकी है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, यानी अगर मैं इसे हिंदी में लिखना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं 17 से 18 लाख स्पीसीज आज तक आइडेंटिफाई करी जा चुकी है, राइट, यही मतलब हुआ इसका हिंदी में। अब देखो पांच किंगडम में दुनिया की सारी स्पीसीज हैं, अब ये सारी की सारी 17 से 18 लाख स्पीसीज आएंगी तो इन्हीं किंगडम में ना, तो क्या इन किंगडम्स में सेम कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हो पाएंगे। अब जैसे आप एग्जांपल लो एनिमल का, तो एनिमेलिया में आपका पॉरीफेरा भी है, सीलेंट्रेटा भी है, टीनोफोरा भी है, प्लेटीहेलमिंथ भी है, एस्केलमिंथ भी है, एनेलिडा भी है, आर्थ्रोपोडा भी है, मोलस्का भी है, इकाइनोडर्मेटा भी है, हेमिकॉर्डेटा भी है, कॉर्डेटा भी है, इतने सारे अलग अलग फाइलम्स हैं आपके एक सिंगल किंगडम में। एनिमल में देखो आप कॉर्डेटा की बात करोगे तो इसमें आप भी आते हो, हाथी भी आता है,
बड़े बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। और पॉरीफेरा की बात करोगे तो वो जो स्पंज है जिससे आप नहाते हो वो कुछ नहीं है, वो आपका बाथ स्पंज है, यानी पॉरीफेरा है। यानी एक स्पंज से लेकर के और ह्यूमन बीइंग तक सारे एनिमल्स हैं। क्या इनमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होगी? फटाफट बताओ यार, क्या इनमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा हो पाएगी? या खुद से सोच के बताओ, एक ऐसी किंगडम जिसमें एक स्पंज से लेकर के एक ब्लू व्हेल तक सब कुछ है, क्या आप उसमें कह पाओगे कि इनमें सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा है? क्या आप उनमें कह पाओगे सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा है? श्रीवास्तवा, यू गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। नहीं कह पाओगे आप, बिल्कुल नहीं कह पाओगे। लेकिन एक जो स्पीसीज है, अब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो होमो सेपियंस में स्पीसीज का क्या नाम है? सेपियंस नाम है। अब ये जो सेपियंस है दोस्त, ये जो आपका सेपियंस है स्पीसीज, इसमें सारे के सारे ह्यूमन बींग्स एक जैसे होते हैं। सबके दो हाथ हैं, सबके दो पैर हैं, सबकी दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान है, सबकी बॉडी में सेम केमिकल है, सेम न्यूरल सिस्टम है, सेम एंडोक्राइन सिस्टम है, सेम डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेम सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, इम्यूनोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव, सारे सिस्टम सेम है। मानते हो? बिल्कुल मानते हो। तो यहां पे क्या हुआ, जो होमोसेपियंस है इसमें जो सेपियंस स्पीसीज थी, इसके सारे इंडिविजुअल एक जैसे दिखेंगे, इसके सारे इंडिविजुअल एक जैसे दिखेंगे। तो यहां पे सिमिलैरिटी क्या हुई स्पीसीज लेवल पे? यहां पर सिमिलैरिटी हो गई मैक्सिमम, यहां पर सिमिलैरिटी हो गई मैक्सिमम। और आप जब जाते हो किंगडम लेवल पे, आप जब जाते हो किंगडम लेवल पे तो सिमिलैरिटीज क्या हो जाएंगी? मिनिमम हो जाएंगी, सिमिलैरिटीज हो जाएंगी मिनिमम। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? थम्स अप दो फटाफट, फटाफट थम्स अप दे दो। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई कि मैक्सिमम मिनिमम सिमिलर कैरेक्टर्स क्या हुए? समझ में आ गया भावना, दैट्स रियली गुड। सलोनी, लेक्चर्स फ्रॉम संडे टू मंडे विदाउट एनी गैप, 11 AM शार्प। पिछले 5 दिनों से लेक्चर हो रहे हैं, 5 दिन से मैंने ज्वाइन किया है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है और मेरी छुट्टी लेने की आदत भी नहीं है। बीमार होते हैं तो अलग बात, अदरवाइज रोज सुबह आपका लेक्चर होगा 11 बजे, और रोज 8 से 10 मैं स्पेशल क्लासेस पे पढ़ाता हूँ। नीचे लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाकर ज्वाइन करो मुझे स्पेशल क्लासेस पे। और अगर मेरे बैच में आना चाहते हो तो यार विपिन कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन ले डालो, जिससे कि एकदम तुम्हें मजा आ जाए, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मुझसे पूरा सिलेबस कर लेंगे मार्च के महीने से पहले। यानी आपको इतना टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए। मैं आपकी एनसीईआरटी 4-5 बार रिवाइज करा दूंगा उस टाइम के अंदर, और आपको 5000 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तो आप आसानी से जो है अपने पूरे सिलेबस को उड़ा दोगे। राइट, सबको समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट। चलो, तो यहां पर आप देखो दोनों आपके स्टेटमेंट्स में से करेक्ट कौन सी हुई। अगर आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होंगे? बढ़ेंगे। किंगडम में सिमिलर कैरेक्टर कम थे, स्पीसीज में ज्यादा थे, तो यहां पर डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? गलत हो गई। अगर आप स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे तो स्पीसीज में मैक्सिमम कैरेक्टर कॉमन है, किंगडम में मिनिमम कैरेक्टर कॉमन है, तो मैक्सिमम टू मिनिमम यानी डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये डिक्रीज वाली बात एकदम सही हो जाएगी, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आ गया समझ में? सॉरी यार, पेन गिर गया। ओके, आ गया समझ में? थम्स अप, चलो यार बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। चलो ओके, दाइबाला आप डायरेक्टली अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आइकॉनिक पे क्लिक करने का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कीजिए, विपिन कोड का यूज कीजिए एंड यू विल बी डायरेक्टली एनरोल्ड इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके चलो यार बहुत बढ़िया। तो अब इस प्यारे से डायग्राम को देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्या कोशिश कर रहा है हमें समझाने की। इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो कि इंटरब्रीड कर सके आपस में और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। कुछ याद आया सबको? ये क्या स्टेटमेंट है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो इंटरब्रीड कर सके और एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बना सके, किसकी डेफिनेशन है ये? किन साहब ने ये डेफिनेशन दी थी? सबसे पहले बताओ, हम लोगों ने जब फर्स्ट लेक्चर किया था, मैंने आपको एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया था जिनकी तस्वीर जो है एनसीईआरटी के पहले पेज पे छपी हुई है। उन्होंने इस चीज के बारे में बताया था कि आपके स्पीसीज वो कहलाएंगे, एक स्पीसीज के इंडिविजुअल वो कहलाएंगे जो आपस में ब्रीड कर सके, आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके और उनके जो बच्चे पैदा हो वो भी फर्टाइल हो। क्या नाम था उनका? अर्नेस्ट मेयर, प्रमोद, गणेश, वेरी गुड, देव कुमार, वेरी गुड। अर्नेस्ट मेयर साहब की बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज की यहां पर बात हो रही है, तो ये क्या बोले? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज बोले कि अगर कोई दो अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल साथ में ब्रीड करने की कोशिश करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं, तो उनका बच्चा क्या होता है?
स्टेराइल हो जाता है, फर्टाइल नहीं रहता। जैसे हमने म्यूल का एग्जाम्पल लिया था, जो खच्चर था हमने उसका एग्जाम्पल लिया था। और स्पीसीज क्या है? आपकी लोएस्ट कैटेगरी है। स्पीसीज की डेफिनेशन क्या होती है? स्पीसीज में इंडिविजुअल्स आपके क्या होते हैं? फंडामेंटल सिमिलैरिटीज शो करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीसीज में इंडिविजुअल शोज फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, ये एकदम एक जैसे दिखते हैं। जैसे दुनिया का कोई भी इंडिविजुअल ले लो, ह्यूमन बींग्स का, समझ लो आप है और मैं हूं, आपके भी सेम ऑर्गन्स हैं जैसे कि मेरे हैं, आपकी बॉडी में भी 206 हड्डियां हैं जैसे कि मेरी हैं, ओके? आपके भी सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन सेम है जैसे कि मेरी है, तो हम लोग क्या है? सेम स्पीसीज के हुए तो फंडामेंटली सिमिलर हो गए। और किन्हीं भी दो स्पीसीज को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो सिर्फ उसे देख के, यानी आप माइन्यूटली किसी चीज को अगर देख लो और आपको डिफरेंस मिल जाए ना उनमें, तो आप कह सकते हो भाई ये अलग स्पीसीज का, ये हमारा आदमी नहीं है, ओके? यानी समझ लो किसी में आपकी 206 हड्डियां है और कोई ऐसा स्पीसीज है जिसमें 500 हड्डियां है, तो आप आराम से बता दोगे कि वो और कोई स्पीसीज है, हमारी स्पीसीज का नहीं है, राइट? चलो बहुत बढ़िया। तो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज यहां पर होती है और दो स्पीसीज को आप सिर्फ देखकर भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो स्पीसीज क्या होती है? ये आपके नाम का सेकंड पार्ट होती है। हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कर लिया है, नाम का जो सेकंड पार्ट था ना, जो लास्ट पार्ट था नाम का, वो आपकी स्पीसीज थी। जैसे आपके आम का नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका, तो इंडिका यहां पर स्पीसीज है, मैंजीफेरा क्या है? जेनेरिक नेम है या फिर जीनस है। पोटैटो क्या हो गया? सोलेनम ट्यूबरोसम, तो ट्यूबरोसम क्या हो गई? आपकी स्पीसीज हो गई, क्योंकि पोटैटो में ट्यूबर होता है। कितने लोगों ने पोटैटो की आंखें देखी हैं? आप जब काफी बार देखते हैं पोटैटो अगर है, जर्मिनेट होने वाला है, तो उसमें छोटे छोटे से बड्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसे आप बोलते हैं पोटैटो ट्यूबर, उसे आप आई ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं। काफी बार हम लोकल भाषा जब यूज करते हैं तो हम बोलते हैं पोटैटो की आंखें निकल आई है, बिल्कुल छोटी छोटी, ओके? ग्रीन कलर की सबने देखा है, मिस्टर चौधरी ने देखा है, प्रशांत ने देखा है, पीयूष ने देखा है, वो क्या होते हैं? ट्यूबर होते हैं। तो उस ट्यूबर से ही नाम आया है आपका ट्यूबरोसम, क्योंकि अगर आपको आलू उगाने हैं तो आप क्या करो, उस छोटे से पार्ट को जिसमें आई है, जिसमें आपका ट्यूबर है, उसको लेकर के आप क्या कर सकते हो, मिट्टी में अगर दबा देंगे, आप उसे पानी अगर दे देंगे, तो वो जर्मिनेट होकर एक आलू का पेड़ बन जाएगा। सो ट्यूबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो यहां पर क्या होता है, आपका ट्यूबर बड का काम करता है। देन नाइट शेड, जिसको आप मकोई बोलते हो, मकोई क्या होता है? सोलेनम निग्रम, ओके? सोलेनम निग्रम। देन आपका टोमेटो हो गया, इसे क्या बोलते हो आप? सोलेनम लाइकोपर्सिकम, तो ये भी आपका सोलेनम जीनस का ही है। ब्रिंजल जो है, यानी आपका भरता बैंगन, इसको आप क्या बोलते हो? सोलेनम मेलोनजीना, ओके? मेलोनजीना यहां पर स्पीसीज है। अब लायन देखो, लायन, लायन आपका पेंथेरा लियो, तो लियो आपके लायन से मिलता जुलता है ना, तो लियो क्या हो गया, इसकी स्पीसीज हो गई। टाइगर है, तो इसमें स्पीसीज क्या हो गई? पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा टिग्रिस। लियोपर्ड है, यानी आपका तेंदुआ, तो क्या हो गया? पेंथेरा पार्डस, तो लियोपार्ड का पार्ड यहां पे मैंने उठा लिया है, तो पार्डस हो गया है, ओके? अब आपने एक चीज नोटिस करी, आपने एक चीज नोटिस करी क्या दोस्तों, कि यहां पर आपके कुछ ऐसे जीनस हैं जिनमें मल्टीपल स्पीसीज है। किस किस ने नोटिस करी, फटाफट बताओ? ऐसे कुछ जीनस है जिनमें मल्टीपल स्पीसीज आपको देखने को मिली, राइट? जैसे सोलेनम, तो सोलेनम के अंदर ट्यूबेरोसम भी है, निग्रम भी है, लाइकोपर्सिकम भी है और मेलोनजीना भी है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सोलेनम क्या है? आपका पॉलीटिपिक जीनस। आप इसे क्या बोलते हो दोस्त? पॉलीटिपिक जीनस। तो आपका एक कंसेप्ट यहीं से आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। पॉलीटिपिक, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो आपके बहुत सारे यहां पर क्या होते हैं, स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं एक जीनस के अंदर, तो इसे आपने क्या बोला, पॉलीटिपिक बोला। जैसे कि दूसरे जीनस का एग्जांपल ले लेता हूं मैं दूसरे कलर से, जैसे कि आपका पेंथेरा है, इसमें लियो भी आ गया, पेंथेरा में टिग्रिस भी आ गया, पेंथेरा में पार्डस भी आ गया, तो पेंथेरा भी क्या है, ये भी एक पॉलीटिपिक जीनस आपका हो गया। मॉडर्न मैन का जो नाम है ये क्या है, हमारा नाम क्या है? होमो सेपियन। तो होमो के अंदर सेपियंस के अलावा क्या कोई और स्पीसीज होती है, फटाफट बताओ? क्या होमो जीनस में कोई और स्पीसीज होती है सेपियंस के अलावा, फटाफट बता दो एक बार, ओके? क्या आपका सेपियंस के अलावा कोई और स्पीसीज प्रेजेंट होती है होमोजिनस के अंदर? खान आयशा सिंह, नो, एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं होती। तो आप इसे क्या बोलते हो, होमो को आप इसे बोलते हो मोनोटिपिक जीनस। हमने पॉलीटिपिक पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, मोनोटिपिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो ये ऐसे जीनस होते हैं जिनमें आपका सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट होती है, जैसे होमोजिनस के अंदर सेपियंस, ओके?
हाँ पहले होते थे अब नहीं होते, सो दैट्स व्हाई इट इज मोनोटिपिक जीनस, राइट। तो ये आपके स्पीसीज के बारे में थोड़ी बहुत बातें हो गई, और स्पीसीज में आपके कैरेक्टर्स मैक्सिमम सिमिलर होते हैं, राइट, मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। तो जब आप आगे बढ़ोगे ना, जब आप स्पीसीज से जीनस में जाओगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे, जब आप स्पीसीज से जीनस फिर जीनस से फैमिली में जाओगे, क्लास ऑर्डर इस हिसाब से जब आप किंगडम की तरफ बढ़ते जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर क्या होते जाएंगे दोस्त, कम होते जाएंगे, राइट, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। चलो बढ़िया, अब आ जाते हैं हमारी अगली कैटेगरी के ऊपर जिसका नाम क्या है, जीनस। अगली कैटेगरी जीनस है जो कि किससे बड़ी है, स्पीसीज से बड़ी है। तो इट इज द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यानी जो आपकी मिलती जुलती स्पीसीज होती हैं जिनमें कैरेक्टर्स कॉमन है, वो क्या करती हैं, वो बेसिकली आपका आगे चल के एक बड़ी कैटेगरी का पार्ट बन जाती है जिसे आप क्या बोलते हो, जीनस बोल देते हो। तो जीनस में क्या है, काफी सारी स्पीसीज है। आप इसी तरीके से इनकी डेफिनेशन भी दे सकते हो, आप इसी तरीके से इनकी डेफिनेशन दे सकते हो, जैसे कि यहां पर देखो फटाफट, यहां पर देखो कि आपको डेफिनेशन कैसे देनी है। आप स्टार्ट करो स्पीसीज से, तो ये आपका स्पीसीज हो गया, देन आपका क्या आया, जीनस, देन आपकी क्या आई, फैमिली, देन आपका क्या आया, ऑर्डर, देन आपकी क्या आई, क्लास, देन आपकी क्या आई, फाइलम या डिवीजन, अगर आप प्लांट की बात करते हो तो डिवीजन आ जाएगा यहां पे, एंड देन आपका आया किंगडम, मानते हो सबके सब। अब क्या हुआ यहां पे मेरे दोस्त, जीनस जो होता है ना इसमें काफी सारी स्पीसीज होती हैं, क्योंकि जीनस एक बड़ी कैटेगरी है स्पीसीज से, तो जीनस को आप क्या बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, यानी काफी सारी मिलती जुलती स्पीसीज, तभी तो सेम कैटेगरी में आएंगी ना, मिलती जुलती होंगी तो सिमिलर वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो मिलती जुलती स्पीसीज मिलकर क्या बनाती है, एक जीनस बनाती है, एक जीनस में बैठ जाती है, मिलते जुलते जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं। तो फैमिली की डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, सिंपल सी बात है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, सिंपल सी तरकीब है लिखने के लिए। अब ऑर्डर की डेफिनेशन क्या हुई, ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली, राइट, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली, इसकी डेफिनेशन भी हो गई हमारे पास। अब आपका क्लास क्या होता है, क्लास होता है आपका ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर, राइट, सिमिलर ऑर्डर। अब आपकी फाइलम क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस, राइट, सिमिलर क्लासेस। और आपकी किंगडम क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम्स और सिमिलर डिवीजन्स। कितने लोगों को समझ में आ गया ये जुगाड़, और ये डेफिनेशन आपकी कभी गलत नहीं होती, ये डेफिनेशन आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, ये इसी तरीके से दी जाती हैं, कभी गलत नहीं होती। यानी अगर आपको इन चीजों का सीक्वेंस याद है तो आप अगर थ्योरेटिकल पेपर देते हो, अगर आप ऐसे पेपर देते हो जिनमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका एक नंबर इसमें कंफर्म हो जाएगा अगर आपको डायरेक्टली सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। तो आपको पिछली कैटेगरी का नाम लिख देना है जो उससे छोटी है, बस। जैसे जीनस है तो काफी सारी स्पीसीज के मिलके बने होंगे, जैसे आपके यहां पे समझ लो पेंथेरा है, ठीक है, पेंथेरा है, तो पेंथेरा क्या है, आपका जीनस है, और किसकी स्पीसीज से मिलके बना है, पेंथेरा लियो यानी आपका जो है लायन, पेंथेरा टिग्रिस यानी आपका टाइगर, पेंथेरा पार्डस यानी आपका लियोपार्ड। तो ये क्या हुआ, काफी सारी स्पीसीज का मिलकर क्या बना है, काफी सारी स्पीसीज का मिलकर बना है आपका जीनस, राइट, काफी सारी, ओके, काफी सारी स्पीसीज से मिलकर बना है जीनस। और स्पीसीज क्या है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके, हैविंग फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, राइट, इंडिविजुअल्स जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं, जिनमें सारे चीजें कॉमन है, ये आपकी हो जाएंगी, डन, चलो ग्रेट, ओके। तो देख लेते हैं क्या हुआ था यहां पर, ऑल राइट, तो यहां पे देखो आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। पहला आपका जीनस सोलेनम, सोलेनम जीनस में क्या क्या था, आपके पोटैटो थे, यानी आपका सोलेनम ट्यूबरोसम, तो ट्यूबरोसम नाम की स्पीसीज सोलेनम जीनस में है, ओके। टोमेटो क्या था, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ओके। ब्रिंजल क्या था, सोलेनम मेलोनजीना, इसके अलावा आपकी मकोई वगैरह भी इसमें थी, सोलेनम निग्रम, ठीक है। तो ये क्या हो गए, पॉलीटिपिक जीनस हो गए, पॉलीटिपिक जीनस, यानी इसमें काफी सारी स्पीसीज आ गई है। सिमिलरली आपका लायन जो है इसमें क्या था, पेंथेरा आपका जीनस था, लियो स्पीसीज थी, लियोपर्ड में पेंथेरा आपका जीनस था, पार्डस आपकी स्पीसीज थी, टाइगर में पेंथेरा आपका जीनस था, टिग्रिस आपकी स्पीसीज थी, ओके। तो यहां पर क्या है आपका,
ओके यहां पर क्या है दोस्त आपका पॉलीटिपिक हो जाएगा, पॉलीटिपिक। अब जीनस फेलिस देख लो, फेलिस तो इसमें फेलिस किसका रहता है, कैट का रहता है, तो दो नाम में कभी कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, कैनिस और फेलिस। अब हमें सुन के ऐसा लगता है कि कैनिस जो है आपके कैट से मिलता है, लेकिन यह है आपके डॉग की कैटेगरी, और फेलिस जो है यह आपकी कैट की कैटेगरी है। यह कभी भूलना मत, यह कभी मत भूलना, राइट, यह कभी मत भूलना कि आपका कैनिस डॉग का है और फेलिस कैट का है। आपको यह सीए देखकर ऐसा लगता है कि इसका नाम कैट से मिलता जुलता है, तो शायद कैट की कैटेगरी है, लेकिन नहीं, कैनिस आपके डॉग की है जबकि आपकी फेलिस कैट की है। तो हाउस कैट जो होती है जिसे आप बोलते हो फेलिस डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस क्यों है आपकी स्पीसीज, क्योंकि वो आपकी डोमेस्टिक कैट है, उसको आप घर पे रख सकते हो। और आपकी आती है फेलिस कैओस, कैओस क्या होता है आपका जंगल कैट होती है, राइट। यहां पर मेरे पीछे छुप चुकी है जंगल कैट, यहां पर आपको दिख रही होगी थोड़ी बहुत, तो ये थोड़ी भूरी भूरी आंखों की होती है कैट की तरह, लेकिन इसका मुंह थोड़ा सा पतला होता है और कान इसके लंबे पतले और खड़े कान होते हैं, राइट। तो यहां पर क्या होता है आपका, यहां पर आपकी जंगल कैट और हाउस कैट किस में आती है, जीनस फेलिस में आती है, ओके, जीनस फेलिस में आती है। तो ये आपके कुछ जीनस के एग्जाम्पल हो गए, राइट, आपके जीनस के एग्जाम्पल हो गए। अब देखो अगली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी आ गई, अगली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मेरे दोस्त आ गई आपकी फैमिली। तो फैमिली क्या थी, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, फैमिली मतलब ऐसी चीज जिसमें रिलेटेड जीनस आ जाए। जब रिलेटेड स्पीसीज मिल रही थी तो वो जीनस बना रही थी, अब रिलेटेड जीनस जब बनेंगे तो क्या बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे, ठीक है। अब फैमिली देख लो फटाफट, नाम कैसे हो जाएंगे आपके, फैमिली हो जाएगी सोलेनेसी। तो यहां पर प्लांट में एसी वर्ड आता है एंड में, सोलेनेसी, ओके, जो एसी वर्ड है ये आपका आता है एंड में, ये इसको आप बोलते हैं सफिक्स, सफिक्स मतलब जो नाम के पीछे लगता है, ये आपका एसी हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, प्लांट में आपको फैमिली का पता लग गया कि आपका एसी आ चुका है एंड में, ओके। और एनिमल में आपका एई आता है, एई, ओके, तो ये आपको पता लग जाता है। जैसे फेलिडी हो गया, कैनिडी हो गया, अगर आप डॉग की बात करेंगे तो कैनिडी हो जाएगा, राइट। तो ये आपकी क्या होती है, फैमिली हो जाती है। ऑलराइट, सो यहां पे देखो फैमिली सोलेनेसी जो थी, तो सोलेनेसी आपका सोलेनम से नाम मिलता जुलता है, यानी आपकी पोटैटो की फैमिली है, तो सोलेनेसी को क्या कहा जाता है, कॉमनली पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मेन राजा है वो क्या है आपका, पोटैटो है। तो इसमें जीनस सोलेनम पूरा का पूरा आता है, यानी इसमें आपकी मकोई आ गई, इसमें आपका बैगन आ गया, टमाटर आ गया, आलू आ गया, ओके। जीनस इसके अंदर आ जाता है पेट्यूनिया और दतूरा, तो ये तीनों जीनस आ जाते हैं फैमिली के अंदर। तो इसकी सिंपल ट्रिक क्या है दोस्त, पावर रेंजर एसपीडी किसने देखा है बचपन में, एक बार फटाफट बता दो यार कमेंट करके, पावर रेंजर एसपीडी किस किसने देखा है, पावर रेंजर एसपीडी आता था, पावर रेंजर मिस्टिक फोर्स आता था, पावर रेंजर एमरजेंसी, तो यार मैं तो अपने बचपन में बहुत देखता था। तो अगर आप लोगों ने देखा है एसपीडी, देन यू कैन इजीली मेमोराइज दिस ट्रिक। पीयूष ने देखा है, दैट्स ग्रेट, श्रीवास्तव ने, हमारा बिल्कुल फिक्स शेड्यूल रहता था यार, पोकेमॉन देखना है, शिनचैन देखना है, कितरेत्सु, डोरेमॉन, आई वॉज वेरी चिल्ड व्हेन आई वॉज अ किड, सो बहुत यार मतलब अच्छी कटी जिंदगी बचपन में। तो यहां पर एसपीडी आपकी ट्रिक है, एसपीडी का मतलब क्या हो गया आपका, सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा, ये तीनों के तीनों आ जाएंगे सोलेनेसी के अंदर, राइट, सोलेनेसी के अंदर आपकी तीनों के तीनों चीजें आ जाएंगी। एसपीडी मतलब सोलेनम जीनस आ जाएगा, पी का मतलब पेटूनिया जीनस आ जाएगा, और डी का मतलब दतूरा जीनस आ जाएगा, राइट। अब फेलिडी, फेलिडी मतलब आपका बिल्ली मौसी की फैमिली। अब बिल्ली शेर से कनेक्टेड है, कितने लोगों को यह बात पहले से पता है कि बिल्ली और शेर की फैमिली सेम है, कितने लोगों को पता है, आपकी जो बिल्ली है राइट, वो शेर से बहुत कनेक्टेड है, यानी कि जो आपके घर पे पेट भी होता है ना बिल्ली का, वो भी आपके शेर की फैमिली से ही एसोसिएटेड है। सो सलोनी को पहले से पता था, मानती को पहले से पता था, पीयूष कुमार, दैट्स ग्रेट। चलो तो यहां पर क्या होता है, इनकी फैमिली सेम हो जाती है, यानी इतने भी सिमिलर नहीं है कि सेम जीनस में रख दिए जाएं, लेकिन इतने सिमिलर जरूर हैं कि एक फैमिली में रख दिए जाएं। तो पेंथेरा, यानी कि आपके यहां पर पेंथेरा पार्डस, लियो, टिग्रिस यानी टाइगर, लायन, और आपका जो लियोपर्ड है वो इसके अंदर आ चुके हैं, और ये आपकी बिल्ली मौसी के साथ आपका सेम फैमिली के अंदर रहता है। तो ये आपका हो गया फैमिली, ओके। देन आपका आता है अगला, दैट इज ऑर्डर। अब ऑर्डर एक और बड़ी कैटेगरी है, तो इसमें क्या होगा, असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब इसमें मिलती जुलती फैमिलीज जो है आ जाएंगी, ओके, आ जाएंगी, दैट्स वेरी गुड। तो यहां पर देखो ऑर्डर क्या है आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज पॉलीमोनियल्स, ओके,
ऑर्डर पॉलीनोमियल्स। तो अगर आप बड़े होकर आईएएस बनना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो काफी सारी पोस्ट होती है यूपीएससी के अंदर। यानी जब आप यूपीएससी का पेपर सीएससी का क्लियर कर लेते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, तो आप आईएएस भी बन सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईपीएस भी बन सकते हैं। आपको काफी सारी अलग अलग जॉब्स मिलती है जिसमें पीसीएस भी एक जॉब है। तो पीसीएस इसकी ट्रिक है। पीसीएस में पी फॉर पॉलीमोनियल्स, सी मीन्स कन्वल्वेसी एंड एस फॉर सोलनेसी। तो पीसीएस क्या हो गया दोस्त? पीसीएस का मतलब हो गया आपका पॉलीमोनियल्स के अंदर आता है कन्वल्वेसी और सोलनेसी। ओके, तो पीसीएस आपका यहां पर ट्रिक हो गई। प्लस आपका ऑर्डर कार्निवोरा एनिमल के अंदर, कार्निवोरा मतलब कार्निवोरस, तो यहां पर क्या आ गए? ऑर्डर फैमिली फेलिडी आ गई। फेलिडी मतलब बिल्ली वाली जो फैमिली थी, ये आपकी यहां पर आ गई। प्लस फैमिली कैनिडी यानी डॉग की फैमिली आ गई। तो यहां पे जो बिल्ली थी वो भी आपके आ गए, टाइगर भी आपका आ गया, एंड यहां पर आपका डॉग भी आ गया। अब सारे के सारे जो है सेम ऑर्डर के अंदर आ चुके हैं। मतलब एक ऑर्डर के अंदर आप किस किस को प्लेस कर सकते हो? डॉग को भी प्लेस कर सकते हो, कैट को भी, टाइगर को भी, लायन को भी, लेपर्ड को भी। यहां पर आप देखो फैमिली पोलिमोनियल्स में फैमिली सोलेनेसी आ रही है। सोलेनेसी मतलब ये दतूरा है आपका, दतूरा भी आ गया, ये आलू है आपका, आलू भी आ गया, और कन्वलवेसी के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी आ गए। तो क्या हुआ, राइट? तो क्या हुआ, यहां पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि आपकी मिलती जुलती फैमिलीज मिलकर बनाएंगी आपके ऑर्डर्स। ओके, हे शक्तिमान सर, थैंक यू सो मच पूजा फॉर कॉलिंग मी शक्तिमान। चलो यार, ओके, ऑल राइट। सो आफ्टर ऑर्डर देर इज सम इंपॉर्टेंट कैटेगरी कॉल्ड एज क्लास। अब क्लास में क्या आएगा? ऑर्डर से बड़ी कैटेगरी है तो रिलेटेड ऑर्डर्स मिल जाएंगे। यहां पर आपको रिलेटेड ऑर्डर्स मिल जाएंगे जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था। अब रिलेटेड ऑर्डर्स मिलकर जो क्लास बनाते हैं, क्लास कौन कौन सी हो सकती है? प्लांट में अगर आप देखें तो क्लास डाइकॉट हो सकती है। अभी आपने क्या देखा लास्ट टाइम में? आपकी पॉलीमोनियल्स देखे आपने। अगर आप लास्ट स्लाइड में जाएंगे, आपने ऑर्डर पॉलीमोनियल्स देखे जिसमें फैमिली कन्वलवेसी और सोलेनेसी इन्वॉल्व थी। हमने ट्रिक क्या बनाई थी? पीसीएस, यानी आपके ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में कन्वलवेसी और सोलेनेसी फैमिली थी। अब ये पॉलीमोनियल्स मिल जाएगी किसके साथ? सेपिंडेल्स के साथ, और बना लेगी डाइकॉट क्लास। तो डाइकॉट मतलब दो कॉटिलेडन, डाई का मतलब दो और कॉटिलेडन का मतलब कॉटिलेडन्स इटसेल्फ। तो इसमें दो कॉटिलेडन होते हैं इसलिए इसे डाइकॉट बोला जाता है। जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें सिर्फ सिंगल कॉटिलेडन होता है। तो पॉलीमोनियल्स और सेपिंडेल्स मिलकर क्या बना लेंगे? डाइकॉट। और यहां पर आपने देखा था ऑर्डर कार्निवोरा जिसमें कुत्ता बिल्ली शेर थे, अब ये कंबाइन हो गई है ऑर्डर प्राइमेटा के साथ, प्राइमेट्स के साथ, यानी ह्यूमन बींग के साथ, गोरिल्ला के साथ, मंकी के साथ, हमारे साथ ये अब मिल चुकी है। तो हम सब लोग क्लास मेमेलिया में आ चुके हैं अब, क्योंकि हम सब लोगों में क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स हैं। अगर आप एक डॉग को देखोगे तो छोटे छोटे पपीज देखे होंगे आपने, जो कि अपनी मम्मी से लिपटे हुए रहते हैं, राइट? ओके, जब वो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पैदा होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनकी मॉम जो है उन्हें ब्रेस्ट फीड करवाती है, यानी उन्हें मिल्क से फीड करती है। तो यानी कि वहां पर भी क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स हैं, और वो आपके एक्सपोज होते हैं तो आपको दिखाई भी देते हैं। तो आप इजीली बोल सकते हो कि कार्निवोरा के अंदर भी, यानी जो डॉग कैट और टाइगर वाला ऑर्डर था, इसके अंदर भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और आपके अंदर तो होते ही है। तो क्या हो गया? आपका कॉमन क्लास बन गई मेमेलिया। मेमेलिया का मतलब प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो आपके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसीलिए आपको सेम क्लास में रख दिया गया। तो धीरे धीरे जब आप ऊपर जाते जा रहे हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं। स्पीसीज में मैक्सिमम थे, जीनस में कम हुए, फैमिली में और कम हुए, अब और कम होते जा रहे हैं। तो बड़े होकर हम क्या होंगे? एक किंगडम में आकर मिल जाएंगे, एक किंगडम में हम सारे ही प्लेस हो जाएंगे। ओके, जिसमें आपके बिल्कुल लेस कैरेक्टर्स कॉमन होंगे। ऑलराइट, तो अब आ गई है आपकी फाइलम और डिवीजन। फाइलम एक टर्म है जो एनिमल्स के लिए यूज की जाती है, और डिवीजन एक टर्म है जो आपकी किसके लिए यूज की जाती है? प्लांट के लिए यूज की जाती है। सो फाइलम किससे बनेगी? इससे पहले क्या था आपका? ऑर्डर के बाद क्लास था, तो क्लासेस मिलकर आप क्या बना लेंगी? आपका फाइलम बना लेंगी या फिर डिवीजन बना लेंगी। इन केस ऑफ प्लांट आपके रिलेटेड क्लासेस जो है फाइलम ना बना करके डिवीजन बना लेती हैं, और ये बात हमें पता है अच्छे तरीके से। ऑलराइट, अब देखो यहां पर क्या हुआ, डिवीजन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं फटाफट बताओ, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं फटाफट बताओ यार, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? क्या आपने कभी सुना है एंजियोस्पर्म के बारे में? आपने अभी क्लास डाइकॉट देखी थी थोड़ी देर पहले,
अब ये डाइकॉट और मोनोकॉट मिलकर क्या बनाते हैं, एंजियोस्पर्म बनाते हैं। क्या आपने कभी एंजियोस्पर्म सुना है? देव कुमार इज सेइंग फ्लावरिंग प्लांट, वेरी गुड देव, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि ये आपके फ्लावरिंग प्लांट है। जिन भी प्लांट्स में फ्लावर प्रेजेंट होता है, जिन भी प्लांट्स में आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका स्टेमेन और कार्पल, इन्हें आप एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट बोलते हो। आपके दो तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यार एंजियोस्पर्म्स के ऊपर, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 11th क्लास का 5th चैप्टर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 11th क्लास का 6th चैप्टर, देन आप पढ़ते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 12th क्लास का 2nd चैप्टर। एंजियोस्पर्म तो आपका इतना बड़ा है और इतना अच्छा है कि आपको बेसिकली ये पता लगेगा कि एंजियोस्पर्म तो इतने इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली आपको इनको समझने के लिए काफी सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। इट इज सो इंपॉर्टेंट, राइट? देन फाइलम कॉर्डेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्डेटा में एक वर्ड आता है, दैट इज कॉर्ड। नाउ व्हाट इज दिस कॉर्ड वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम? ये कॉर्ड वर्ड कहां से लिया गया है, कोई मुझे बताएगा? वेयर इज दिस कॉर्ड वर्ड टेकन फ्रॉम? कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड वर्ड यहां पे क्यों लिया गया है, फटाफट से बता दो यार, फटाक फटाक बताओ कि आपका कॉर्डेटा वर्ड में कॉर्ड कहां से लिया गया है। प्राजक्ता इज सेइंग नोटोकॉर्ड, देव कुमार इज सेइंग नोटोकॉर्ड, गुरु इज सेइंग नोटोकॉर्ड, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। चंचल इज सेइंग स्पाइनल कॉर्ड, इट्स नोटोकॉर्ड चंचल। ओके, चल तो ये जो है आपका कॉर्ड है, और वैसे भी स्पाइनल कॉर्ड में CORD आता है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड या जो आपकी नर्व कॉर्ड होती है, इट इज नर्व कॉर्ड। ओके, इट इज नॉट CHORD। तो यहां पे आपका नोटोकॉर्ड आएगा, नोटोकॉर्ड। ओके, तो नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं आप लोग, कॉर्डेटा बोलते हैं। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती उन्हें आप नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। तो यहां पे आपके डाइकॉट यानी दो कॉटिलेडन वाले और मोनोकॉट वन कॉटिलेडन वाले मिलकर बना लिए हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट। और यहां पे आपका क्लास एम्फीबिया यानी एम्फीबियंस जो कि पानी पे भी रह सकते हैं, लैंड पे भी, रेप्टाइल जो कि आपके रेंग सकते हैं, क्रीप और क्रॉल करते हैं, एव्स जो कि आपके उड़ सकते हैं यानी पक्षी, और मैमल्स जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था यानी आप और मैं, हम सब मिलकर कॉर्डेटा का पार्ट बनते हैं क्योंकि हम सबके अंदर आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, राइट? यहां तक किसी को कोई डाउट फटाफट बता दो यार, आई डोंट थिंक आज कोई डाउट होना चाहिए। लेसन बहुत ही ज्यादा प्यारा है, अच्छी अच्छी स्लाइड्स है, बढ़िया बढ़िया स्लाइड्स है, एनिमेटेड। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब सबसे बड़ी कैटेगरी आ गई है, राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा, दैट इज किंगडम। नाम में ही किंग है यार, इससे बड़ा कोई क्या ही होगा। ओके, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में, अगर आप 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी की बात करो तो। समझ लो मैं बोलता हूं कि 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी की बात मत करो, तुम कितना भी बाहर जा सकते हो, तो मुझे प्लीज बता दो कि क्या किंगडम से बड़ा कुछ हो सकता है, क्या किंगडम से बड़ा कुछ हो सकता है अगर मैं आपको इजाजत दूं कि 7 कैटेगरी से बाहर निकल जाओ, क्या हो सकता है फटाफट बता दो, किंगडम से बड़ा क्या हो सकता है, कौन सी कैटेगरी है जो किंगडम से बड़ी हो सकती है? अगर मैं आपको पूरी इजाजत दूं किसी भी कैटेगरी का नाम ले लो, यू आर फ्री टू टेक एनी नेम। नो सर, विनय भगत, वेरी गुड यार, वेरी गुड विनय, वेरी वेरी गुड, इट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। डोमेन हो जाएगी दोस्त इससे बड़ी, राइट? तो क्या होगा, किंगडम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी बिग ओनली इन द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। बट व्हेन यू टॉक अबाउट सम मोर कैटेगरीज अदर देन ऑब्लिगेट कैटेगरीज, तो आप इसमें डोमेन को कंसिडर कर सकते हो, और डोमेन को जब आपने कंसिडर कर दिया तो सीधी सी बात है आपकी ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू किंगडम। जैसे समझो यहां पर मैं लिख देता हूं कि आपका स्पीसीज हुई, लेट्स टेक अनदर स्लाइड। ओके, सो वी आर टेकिंग अ ब्लैक स्क्रीन ओवर हियर एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट केयरफुली। समझ लो यहां पर आ गया है आपका स्पीसीज, ओके, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, इट कुड बी ऑल्सो कॉल्ड एज डिवीजन, एंड देन किंगडम। तो इसके बाद इससे बड़ा क्या हो सकता है, आपका डोमेन, क्योंकि आपकी टोटल कितनी होती है, 5 किंगडम होती है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब देखो एनिमल सबसे बड़ी किंगडम है, प्लांट भी किंगडम है, फंगस भी किंगडम है, प्रोटिस्टा भी किंगडम है, मोनेरा भी किंगडम है। जब आप इन्हें डोमेन में बांटते हो ना, तो मोनेरा के दो टुकड़े हो जाते हैं, मोनेरा के दो टुकड़े हो जाते हैं, क्या आपके दो टुकड़े हो जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, दो टुकड़े हो गए। तो ये दोनों क्या बना लेते हैं, डोमेन बना लेते हैं, आर्की
एक डोमेन बना लेता है आर्कीबैक्टीरिया, जिसे आप क्या बोलते हो, आर्किया, आर्किया, ठीक है। यू बैक्टीरिया एक डोमेन बना लेता है जिसे बोला जाता है यू बैक्टीरिया, सेम यू बैक्टीरिया। और ये जो बची हुई चारों किंगडम्स है ना, ये चारों किंगडम्स मिलके एक सिंगल डोमेन बनाती हैं जिसका नाम क्या है, यूकेरिया, यूकेरिया। आया मजा? तो यूकेरिया क्या हुआ, सबसे बड़ा हो गया ना, यूकेरिया आपका सबसे बड़ा हो गया। इट इज वेरी सिंपल, आप अगर यहां पर देखोगे तो यू कैरियर सबसे बड़ा हो गया ना, ग्रेट। तो इट इज मच बिगर एज कंपेयर टू दीज फोर किंगडम्स। ये चारों किंगडम मिलाकर एक डोमेन बन रही है, तो डोमेन तो आपका बड़ा ही हुआ ना, काफी बड़ा हो गया। सो हमें बस ये बात जाननी थी। चलो, और अगर मैं बोलूं कि इन्हीं में से बताओ, सात में से, इन्हीं सात में से बताओ ऑब्लिगेट कैटेगरी में से, तो भाई आपकी स्पीसीज सबसे छोटी और किंगडम सबसे बड़ी, तो फिर कोई लोचा नहीं है, तो कोई आपकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ओके, तो ये आपकी अलग अलग डिवीजन से मिलकर बनती है, और ये आपकी हाईएस्ट कैटेगरी है, ये आपकी सबसे बड़ी कैटेगरी है, आपकी जितनी भी गिवन कैटेगरीज होती है उनमें से। अब आपके जो एंजियोस्पर्म है, आपके जिम्नोस्पर्म है, और इसके अलावा भी आपका टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, एल्गी, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, आपके किंगडम प्लांट बनाते हैं। और आपके फाइलम कॉर्डेटा और जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, सब कुछ मिलाकर क्या बनाते हैं, आपके एनिमेलिया बनाते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी क्या हो गई, सबसे बड़ी आपकी किंगडम हो गई, सबसे बड़ी कैटेगरी हो गई आउट ऑफ ऑल सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज। जो सात कंपल्सरी कैटेगरीज है उनमें से किंगडम सबसे बड़ी है। ओके, समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो अभी देखते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज विद एग्जाम्पल, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ी की अगर हम बात करें तो, सबसे बड़ी की अगर हम बात करें तो किंगडम एनिमेलिया सबसे बड़ी है, किंगडम है तो सबसे बड़ी होगी ना। और आप यहां पर बात किसकी कर रहे हो, एनिमल्स की बात कर रहे हो, तो एनिमेलिया यहां पर आ जाएगी। सिमिलरली आप सेकंड नंबर पे निकालो तो फाइलम क्या आ जाएगी, कॉर्डेटा आ जाएगी, फाइलम कॉर्डेटा आ जाएगी। हम समझ लो कॉर्डेट्स की बात करें जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। देन आपका क्लास मैमेलिया आ जाएगी, मैमल्स जो है यहां पर, यानी मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, तो ये मैमल हो जाएगा, क्लास मैमेलिया। देन आपका ऑर्डर कार्निवोरा, यानी कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है ये। ओके, देन आपका देखो फैमिली फेलिडी, ओके, यानी आपके डॉग की फैमिली की बात हो रही है। ओके, सॉरी, फेलिडी मतलब कैट की फैमिली की बात हो रही है यहां पर। ओके, डॉग की तो कैनिडी थी। जीनस पेंथेरा, यानी आपके टाइगर, लायन या फिर लियोपर्ड में से किसी एक की बात हो रही है। देन आपका स्पीसीज टिगरिस, तो किसकी बात हो रही है, टाइगर की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो यहां पर हमें काफी सारे ऑप्शन दिए गए कि इनमें से सबसे करेक्ट क्या है। तो ये बहुत प्यारा डायग्राम है यार, बहुत प्यारा डायग्राम है। अब आप देखो इसको गौर से समझने की कोशिश करना यार, प्लीज मेक श्योर कि आप इसे समझो। देखो दोबारा चलते हैं, वापिस चलते हैं, वापिस चलते हैं, मजा आएगा। इट्स अ गेम, ओके, इट्स अ गेम, देखना एक बार, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने सिर्फ बोला किंगडम एनिमेलिया, सिर्फ मैंने इतना हिंट दिया। अब यार वो मक्खी भी हो सकती है, वो तोता भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, टाइगर लायन भी हो सकता है, टाइगर भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने बोल दिया कि फाइलम कॉर्डेटा, अगर कॉर्डेटा बोल दिया तो मक्खी तो हट गई, मक्खी कॉर्डेट नहीं है, मक्खी क्या है, मक्खी आपकी आर्थ्रोपोडा में आती है, तो कॉर्डेटा में नहीं है, तो हट गई, हट गई। तो यहां पे क्या बचा, कॉर्डेटा में आपका एव्स आते हैं, तोता बच गया, आदमी बच गया, कुत्ता बच गया, बिल्ली बच गई, लायन बच गया एंड टाइगर बच गया। अब मैंने क्या बोला अगला, मैमेलिया, तो मैंने अगर मैमल बोला है तो जाहिर सी बात है आपका ये भी निकल जाएगा। देन आपका मैन बच गया, डॉग बच गया, कैट बच गई, लायन बच गया, टाइगर बच गया। फिर मैंने क्या बोला है, कार्निवोरा, तो कार्निवोरा बोला तो आपका, हमारा तो, हम तो प्राइमेट है, ऑर्डर प्राइमेट है हमारा, तो मैन भी निकल गया, तो आपका कुत्ता बच गया, बिल्ली बच गई, लायन बच गया, टाइगर बच गया। तो हम छोटे छोटे करके क्या आ रहे हैं, अपने आंसर की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। ओके, अब फेलिडी बोला मैंने, हमने फेलिडी बोल दिया, तो सीधी सी बात है भाई, ये तो कैनिडी होता है डॉग, तो फेलिडी मतलब बिल्ली बच गई, बिल्ली मौसी और टाइगर बच गए, राइट। अब मैंने बोल दिया पेंथेरा, तो यहां पर तो देखो भाई फेलिडी, इसका आपका फेलिस होता है जीनस, तो ये भी कट गई, आपका क्या बचा, लायन और टाइगर बचा। तो पेंथेरा लियो होगा तो लायन बन जाएगा, पेंथेरा टिग्रिस होगा तो टाइगर बन जाएगा। एंड में क्या मिला हमें, पेंथेरा टिग्रिस मिला, तो क्या हो गया, टाइगर हो गया, हमारा आंसर हमारे हाथ में आ गया। कैसी लगी, इज इट गुड, ग्रेट, दैट्स वेरी गुड। चलो
ऑल राइट तो यहां पे ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं। जैसे मैन का साइंटिफिक नाम जो है क्या है, होमो सेपियन, तो होमो हमारा जीनस, सेपियन हमारी स्पीसीज। अब जीनस हमारा होमो हो गया, बिल्कुल सही बात है। फैमिली क्या है हमारी, होमो से मिलती जुलती, होमिनिडी, मैंने आपको बताया था एंड में ए ही आ जाएगा, होमिनिडी हमारी फैमिली हो गई। हम प्राइमेट्स हैं तो हमारा ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, क्लास हमारी मैमेलिया हो गया क्योंकि हमारे अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, और आपका फाइलम कॉर्डेटा हो गई, फाइलम कॉर्डेटा हो गई, करेक्ट। अब हाउस फ्लाई का देख लो, हाउस फ्लाई में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि ऑर्डर डिप्टेरा है और इसका नाम मस्का डोमेस्टिका है, तो नाम हो गया मस्का डोमेस्टिका क्योंकि घर में पाई जाती है तो डोमेस्टिका हो गई। अब जीनस इसका मस्का है, नाम से ही पता लग गया। अब मस्का से मिलती जुलती फैमिली है, जैसे होमो से मिलती जुलती क्या थी, होमिनिडी, तो यहां पर मस्का से मिलती जुलती है मस्किडी, मस्किडी। ऑर्डर इसका डिप्टेरा है, मक्खी हमें पता है इंसेक्ट है तो क्लास इंसेक्टा में आ जाएगी, और क्लास इंसेक्टा आपकी सबसे बड़ी फाइलम का पार्ट होता है, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, डन। अब मैंगो आ गया आपका, ओके मैंगो आ गया, तो मैंगो का नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, तो आपका जीनस हो गया मैंजीफेरा। अब इसमें होता है एनाकार्डियेसी नाम की फैमिली, तो एंड में क्या आ गया, एसी आ गया, ए सी ई ए ई ए सी, मैंने आपको बताया था ये सफिक्स लग गया। ऑर्डर क्या है, सेपिंडेल्स, इसके एंड में एल्स आ गया, सेपिंडेल्स, जैसे अगले में देखोगे पोएल्स आ जाएगा, प्लांट्स में एल्स लगता है आपके ऑर्डर के आगे। ये एक डायकॉट है तो डायकॉटिलेडोनस में आ गया क्लास में, और एंजियोस्पर्म क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है तो एंजियोस्पर्म में आ गया। सिमिलरली आपका वीट है यानी गेहूं, तो गेहूं का आपका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिकम इसका जीनस हो गया। और आप पोहा याद कर लो कि पोहा जो है आपका खाने का होता है जस्ट लाइक गेहूं, तो पोहेसी इसकी फैमिली हो गई, पोहेल्स इसका ऑर्डर हो गया, ये मोनोकॉट होता है, आप सीड देखकर बता सकते हो, और एंजियोस्पर्म क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है जाहिर सी बात है। तो ये क्या हुआ दोस्त, ये यहां पे आपके सारे के सारे हायरार्कियल सिचुएशंस खत्म हो गए। ये आपका एनसीईआरटी का टेबल 1.1 है इस पूरे चैप्टर का, ओके। तो कल क्या करने वाले हैं हम लोग, कल हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स, मोनोग्राफ पढ़ेंगे, फ्लोरा पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, राइट, हर्बेरियम पढ़ेंगे, बोटैनिकल गार्डन पढ़ेंगे, जूलॉजिकल पार्ट पढ़ेंगे, म्यूजियम पढ़ेंगे, काफी सारी मस्त मस्त चीज पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और 77 स्टूडेंट्स आ चुके हैं आज, वी हैव स्टार्टेड विद 30 स्टूडेंट्स, सो इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग टू दिस लेसन। और आपको रेगुलरिटी का पता लग ही गया है, मैं हर रोज टाइम पर आ जाता हूँ। अपने सिलेबस को अगर पकड़ना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से तो आपको बहुत अच्छे से पता है यार, अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप मेरा चैनल देख सकते हो ओजोन क्लासेस, और 1,00,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं उस चैनल के ऊपर, मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूं, तो अब मैं फुल टाइम एजुकेटर के तौर पे आ चुका हूं अन अकेडमी पे, तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा दोस्त। प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके। ओजोन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं। और गाइज अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है और मुझसे पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आज के दिन ही लीजिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन और कोड लगाइए विपिन। ये कोड जब आप लगाते हैं मेरे नाम का कोड, तो आपको एक्सेस मिल जाता है मेरे सारे कोर्सेज का प्लस सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया का। आप किसी भी टीचर की वीडियो अनलॉक कर सकते हो सिंगल कोड को यूज करके, 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरे सारे नोट्स और मेंटोरशिप भी मिल जाएगी मेरे बैच में आने के बाद, आप मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड हो जाओगे। तो प्लीज मेक श्योर to get connected over here because it is a very dedicated batch. मेरे बैच का हर एक बच्चा आपको अच्छे सजेशन ही देगा बैच के बारे में। हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाते हैं जो कोई टीचर बहुत ज्यादा नहीं लगाता, तो आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम विद ग्रेटर ग्रैस्प, प्लीज मेक श्योर टू गेट कनेक्टेड, राइट गुरु। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टूडे इटसेल्फ, ओके। तो प्लीज मेक श्योर जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टे कनेक्टेड। कल 11 बजे आपसे मिलता हूं दोबारा से, कल 11 बजे आपको मिलता हूं दोबारा से इसी चैनल के ऊपर। और प्लीज मेक श्योर कि कल भी आप 11 बजे मुझे यहीं पर मिले, बिकॉज आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, राइट। तो कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, स्वाहा कर देंगे कल हम इस चैप्टर को, एंड हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ओर। हम लोग यार पहले यूनिट वाइज चलेंगे, राइट, या हम चैप्टर वाइज चलेंगे, पहले एक चैप्टर हम लोगों ने आज पकड़ा लिविंग वर्ल्ड, पहले इसको खत्म करेंगे, फिर जो चैप्टर आप बोलोगे मैं वो स्टार्ट करूंगा। आप मुझे बोलोगे सर फोटोसिंथेसिस पढ़ाओ, मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा दूंगा। आप बोलोगे सर रेस्पिरेशन पढ़ाओ, मैं रेस्पिरेशन पढ़ा दूंगा। आप बोलोगे बायोमोलिक्यूल पढ़ाओ, मैं वो पढ़ा दूंगा। आप जो बोलोगे मैं वो पढ़ा दूंगा, आपके लिए ही हम हैं भाई,
आपको जिस चैप्टर की ज्यादा जरूरत है आप मुझे वो बता देना, आई एम रेडी फॉर ऑल द चैप्टर्स, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलता हूँ आपसे कल। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जुड़ जाइए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, फ्री क्लासेस आती है रोज, 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, मेरी खुद की ऑब्जेक्टिव बुक्स है क्योंकि मैं एक ऑथर भी हूं, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने खुद 4 बुक्स लिखी हैं नीट के लिए और काफी सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, तो आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं यार, काफी सारा मजा आएगा हम लोगों को पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं कल सुबह, बाय।